इसमें मम्मी टमाटर पकाई है चोखा बनाने के लिए, मैं इसको निकालने जा रही हूँ। कई गो बा मम्मी? पांच को दिखाई देता? ये देखिए पक गया अच्छे से। जब मम्मी चूल्हा में आग नहीं जलाती है ना तो इसी में पका लेती है, और मैं इसको ट्रिक से निकाल रही हूँ चाकू से, जबकि निकल नहीं रहा है ये लड़का, ज्यादा पक गया है। कोई 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 अच्छे से निकल, चिमटा छत पे है। देखिए निकलो, आप कर रही है, देखिए ऐसे नहीं निकलता है, देखिए। चल एगो बच गई बा, सब निकल गए, हटना तोर जैसा हम अच्छा लेके ना है। अच्छा तू अच्छा लेके ना हो, निकल गए ढेर, सब निकल गए। अब एकरा के पानी में धोए पड़ी या तू? हां बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे सपना भाभी को मेहंदी लगा रही हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हमारी भाभी मायके जाने वाली हैं, है ना मम्मी? मायके जाने वाली हैं, हाँ, इसीलिए मेहंदी लग रहा है। और मैं और चांदी मेहंदी क्यों नहीं लगाते हैं भाभी को? नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को इतने अच्छे से नहीं आता, मतलब आता है, काम चलाऊ मुझे आता है, लेकिन सपना जैसा बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए हम लोग सपना को बुला के लगवाते हैं। सपना कौन है तो पता ही है, सपना चांदनी की फ्रेंड है। क्या लेके आए हो? स्प्राइट? मैं भी पीऊंगी, नहीं मिलेगा, मैं पहले पीऊंगी, स्प्राइट मेरा फेवरेट है। भाभी के लिए निकाला है ना तुम? हमको पता था भाभी के लिए सबसे पहले निकालता है, कुछ भी लाता है तो। और ये चांदनी तीन चार कप लेके आई हुई है, पहले भाभी को दे क्या, वो सपना के भी दे दे, कप में दे दे, कप में दे दे, गिलास में दे दे। ठंडा पिया लोग, ठंडा 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 पिया लोग। चलो मेरे लिए निकालो, पता ना मेरे लिए दो, कप में थोड़े पे। हाँ हम कप में पिए, बस एक कप है। हाँ दे हमरा के, ज्यादा ना पिए के, मोटाई ले जा, अभी फिर मन करी तो पी सकता नहीं। ये रहा मेरा स्प्राइट, अब दोनों की लड़ाई हो जाएगी। दोनों पैसा मिला के लाया है, इसीलिए लड़ रहा है दोनों। भाभी का मेहंदी लग रहा है और मम्मी इधर आलू पराठा बना रही है। क्या बना रही है मम्मी आप? आलू पराठा किसका फेवरेट है? सब कोई का, सब कोई का, घर में जितने लोग हैं सबका फेवरेट है आलू पराठा। अभी मम्मी इधर आलू पराठा बना रही हैं, बहुत सारा बनाना है ना मम्मी? ये देखिए कितना सारा आटा, इतना सारा बन गया है, अभी बन रहा है। भगवान इनके जैसे सास सबको दे, बहू मेहंदी लगवाए तो सास खाना बनाए ना मम्मी, नसीब है अपना अपना, है कि नहीं, कर्म का फल है। माँ के हाथों का आलू पराठा किसको किसको पसंद है? इतने सारे आलू पराठा बन गए हैं, आ जाइए आप लोग भी खाने। आलू पराठा, चोखा, चटनी, टमाटर, आलू पराठा, आलू टमाटर का चोखा और टमाटर की मीठी वाली चटनी, गुड़ वाली चटनी ना मम्मी। लगभग दो तीन घंटे हो गए हैं और भाभी का मेहंदी अभी तक लग ही रहा है। एक्चुअली होता है क्या ना, दुल्हन वाला जो मेहंदी लगता है इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत महीन महीन बारीकी से लगता है ना, इस वजह से शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना चांदनी। सपना अभी लगी हुई है मेहंदी लगाने में। बन गई मम्मी सब? आधा आदमी तो खाइए ले लग ना, आधा लोग खा लिए, आधे लोग के लिए मम्मी इतना सारा बनाई है। आलू पराठा बनाने बहुत देर लगेगा ना मम्मी? अच्छा लग रहा लेकिन देर लग रहा बहुत। अब जो है भाभी का मेहंदी जो है लगभग लगभग लग ही चुका है, एकदम अच्छे से लग चुका है। थोड़ा सा ये जो ऊपर का उंगली पर का होता है ना, ये चांदनी और मैं लगा दूंगी, है ना? तो अब जो है, अब खाना वाना सब कुछ बन चुका है, तो भाभी अब इसको सुखाएंगी, उसके बाद खाना वाना खाएंगी, क्योंकि मेहंदी सुखाने में भी तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फाइनली भाभी की मेहंदी जो है वो लग चुकी है अच्छे तरीके से।
मम्मी भाभी बुलावा तरी आओ। मम्मी के मालिश करे खाती भाभी बुलावत रही। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं नहा धो के छत पे आई हूँ। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं नहा धो के एकदम फिट हो गई हूँ, देख रहे हैं आप लोग। बहुत फुर्ती है आजकल मेरे अंदर। और जैसा कि आप लोग टाइटल थंबनेल से समझ ही गए हो कि भाभी हमारी जाने वाली हैं, तैयारियां चल रही हैं, सब कुछ नीचे मम्मी पापा भैया सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जब हमारे यहाँ पहली बार बहू जाती है तो बहुत ही अच्छे से विदाई किया जाता है, मतलब बहुत अच्छे से अपने तरीके से, जैसे कि मिठाई वगैरह का टोकरी बांधना, सारी कपड़ा देना, सब कुछ। अभी भाभी सॉरी मम्मी भाभी को क्या क्या दे रही हैं विदाई पे, सब मैं दिखाने वाली हूँ। आप लोग को देखिएगा कि मम्मी भाभी को क्या क्या दे रही हैं विदाई पे। पहली बार भाभी जा रही है अपने मायके और अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि भाभी जा रही है। एक्चुअली हम लोगों ने भाभी की चूड़ियों की आवाज़ की, फिर ये पायल की आवाज़ की, इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। और भाभी चली जाएंगी तो घर एकदम सोना लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो अभी मम्मी क्या क्या देंगी भाभी को वो सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मम्मी आई हुई हैं छत पर पूजा करने के लिए, सूरज भगवान को अर्घ्य देने के लिए। मम्मी बोल रही हैं चलो तैयारी करना है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि क्या क्या होता है हमारी भाभी की विदाई में, क्या क्या दिया जाता है और भाभी की विदाई कैसे कैसे होती है। मम्मी इधर सूरज भगवान को आरती दे रही हैं। तो गाइज मैं अभी आ चुकी हूँ छत पर से नीचे और मम्मी पुकार रही थी मुझे कि चलो तैयारी की जाए, क्योंकि आज ही भाभी को निकलना है तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। भाभी के भाई आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो अभी हम लोग मिठाइयों की टोकरी बांधने लगे हैं। क्या कर रहे हैं चांदनी हम लोग? अभी मिठाई की टोकरी बना, दौरा बांध रहे हैं हम लोग। हम लोग के यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है दौरा बांधना। तो अभी हम लोग दौरा बांध रहे हैं भाभी के लिए। बहुत सारे मिठाइयाँ आई हुई हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गुलाब जामुन और फिर वाइट वाला जो रसगुल्ला होता है वो, और लड्डू, और बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं। ये सब का भी ना दौरा बांधा जाएगा, टोकरी बनाई जाएंगी। जब भी हमारे घर में बहू विदाई होती है तो इसी तरह से विदाई होता है ना मम्मी? मम्मी आप लोग को बताएंगी अच्छे से, बताइए मम्मी। बेटी विदाई होती है तो इसी तरह से गांव में हम लोग देते लेते हैं, इसी तरह से हम लोग के यहाँ होता है सब कुछ। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे से, मतलब सब कुछ ले दे के विदाई किया जाता है। ऐसा नहीं कि चलो मुँह उठा के चल दिए। तो जैसे मैं आती हूँ वैसे बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही बस अपना कैपरा उठाती हूँ, बैग उठाती हूँ, चली आती हूँ। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हम लोग के यहाँ बहू की विदाई नहीं होती है। बहुत ही अच्छे से एकदम सब कुछ अच्छे से मिठाई उठाई दे के, फल वल का टोकरी बांध के, सब कुछ बहुत ही अच्छे से साड़ी कपड़ा दे के तब विदाई किया जाता है। और ये ब्लॉग में आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा ना कि हम लोग, मतलब मेरी मम्मी अपनी बहू को कपड़े क्या क्या दे रही है ना मम्मी? हाँ। सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को। क्या मिला? हाँ, कि भाभी को हम लोग विदाई पे क्या क्या दे रहे हैं, ससुराल से क्या क्या जा रहा है। ये सब मिठाई और फल जो है ना पापा खरीद के ले आए हैं, अभी अभी जस्ट खरीद के ले आए हैं। अभी बस 10 मिनट हुआ खरीद के लाए हुए और हम लोग इसको बांधने में लग गए हैं, मैं पापा मम्मी चंदन सब लोग मिल के, और दादी उधर पीछे बैठ के देख रही हैं। और चांदनी क्या कर रही है? चांदनी वीडियो शूट कर रही है। चांदनी कैमरा के पीछे है। तो सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, सब लोग अपना काम पे जल्दी जल्दी से, कि सब मतलब आज ही निकलना है भाभी को, तो सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो मतलब सब कुछ जब अच्छे से बंधा बंधा जाएगा ना तो फिर हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, फिर भाभी को तैयार करेंगे हम लोग, है ना चांदनी? तो अभी मैं चंदन पापा मम्मी सब लोग यहाँ पे बांधने में लगे हुए हैं। आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ आपके कल्चर में मतलब बेटियाँ बहू को कैसे विदाई किया जाता है? हम लोग के यहाँ तो इसी तरह से विदाई किया जाता है ना मम्मी? मतलब बहुत सारे मिठाई के टोकरी दिए जाते हैं, फलों की टोकरी दी जाती है, और उसके बाद साड़ी कपड़ा दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितना आप कर सकते हो पैसे दिए जाते हैं, सब कुछ जितना आप सक्षम हो उतना करो। और ये सब टोकरी बांध के हम लोग अभी रख रहे हैं, भाभी की विदाई की तैयारी अच्छे से चल रही है। अभी आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा ब्लॉग में, तो आप लोग प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, पलंग पे इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सब सारे जितने भी ड्रेसेस दिख रहे हैं आप लोग को, जितने भी साड़ियाँ दिख रही हैं ना, सबके सब भाभी के विदाई पे मम्मी दे रही हैं। ये देखिए इतनी सारी साड़ियाँ, तो हमें एक एक करके दिखा दीजिए आप भाभी को कौन कौन सी साड़ी दे रही हैं आप। हाँ, पहली बहू है और पहली बार अपने मायके जा रही हैं, खुशी मन से बहू जाए। तो ये है पहली साड़ी, देख सकते हैं आप लोग, रेड कलर की है, बहुत ही सुंदर साड़ी है, बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं इस पर, देख सकते हैं। पलट के दिखाइए तो मैंने थोड़ा, इसमें ये पेटीकोट का कपड़ा है, बॉर्डर भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, देखिए पलटा। तो ये पहली साड़ी है जो कि रेड कलर की है। नेक्स्ट दिखाइए मम्मी,
रख दाई, अब दूसर का दिखाओ। और ये दूसरी साड़ी जो कि येलो कलर की है, ये मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सबसे ज़्यादा। इसका बॉर्डर देखिए बहुत ही सुंदर है, येलो कलर की साड़ी है जो कि दुल्हन पे बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये दूसरी साड़ी हो गई, पलट के दिखाओ मम्मी, बहुत सुंदर साड़ी है ये। खुशी से पहने, खुश रहे। हाँ, तो ये दूसरी साड़ी है, मैं भी भाभी ये होली पे पहने। नेक्स्ट मम्मी, और ये तीसरी साड़ी जो कि ऑरेंज कलर की है, ये देखिए, पलट के दिखाओ, पलट के दिखाओ। डिजाइन कुछ इस तरह का है इसका, ऑरेंज कलर की साड़ी है ये। आगे दिखाओ चौथी, ये चौथी साड़ी जो कि ग्रीन कलर की है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। दुल्हन पे ये सब कलर अच्छा लगता है ना, तो ये चौथी, हाँ, ग्रीन कलर की। ये चार साड़ियाँ जो आप लोग देखे ना, ये भाभी की है, भाभी के लिए। और ये एक साड़ी जो देख रहे हैं आप लोग, ये उनकी चाची के लिए है, भाभी की चाची के लिए, मतलब मम्मी अपने समधन साहब को दे रही हैं। पलट के दिखा दो, ठीक बा, ऑरेंज कलर का है ये भी, गाजरी कलर का। नेक्स्ट, और ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये उनकी मम्मी के लिए, मतलब भाभी की मम्मी के लिए, मम्मी के समधन साहब के लिए। हाँ, ये भी ऑरेंज कलर का है, मतलब उन लोग को, भाभी के मम्मी चाची को जो अच्छा लगेगा ना, वो अपना एक्सचेंज भी कर सकती हैं। हाँ, तो ये उनकी मम्मी के लिए हम लोग मतलब अपना सोच के दिए हैं। दोनों ऑरेंज कलर का इसलिए दिए कि क्योंकि मम्मी और चाची का एक जैसा हो ना मम्मी। हाँ, उन लोग को जो अच्छा लगेगा वो अपना रख लेंगी लोग। और ये जो साड़ी के साथ दिया जाता है हम लोग के यहाँ, चूड़ी बिंदी ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें भी है, इसमें चूड़ी आइटम में रखा गया है, तो इसको कर दीजिए। और एक बाबा के लिए, भाभी के बाबा के लिए, चंदन अभी इधर पे खड़ा है, गंजी है, और ये शर्ट का कपड़ा है जो मतलब बाबा लोग पहनते हैं। और ये एक गमछी है, और ये एक धोती, तो ये सब चीज़ें भाभी के विदाई पे दिला रहे हैं। चंदन भाभी जा तरीका कैसा लगा था? अच्छा निकला, मम्मियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी खुश जाने दो कि मैं यहाँ पे हूँ तो कैसे सब लोग खुश हैं। वैसे भाभी के घर में भी तो सब लोग खुश होंगे। चांदनी भी इधर अपना नहा धो के तैयार हो रही है। तो ये सब साड़ियाँ देख लिया आप लोग, मैं आप लोग को एक बार क्लोजअप दिखा दूँगी। तो मम्मी भाभी तो जा तरी कैसा लगा था? अच्छा, तो उतना नहीं खेला है, लेकिन भाभी के तो जाही के चाहिए, सब कोई के मायके खुश खुशी से जाना चाहिए। तो मिस करबू भाभी के? मिस करम ना बहुत ज्यादा ना मम्मी। हाँ। हमको लग रही पक्का रोएगी, देखिएगा जब भाभी जाएंगे तो। तो चलिए, ये सब साड़ियाँ हो गई हैं रेडी, और मिठाई उठाई का टोकरी भी बंधा गया है। अभी थोड़ा थोड़ा काम है हम लोग को, तो जा रहे हैं अभी काम करने ना मम्मी। चलो चुटुर, चलो वो सब बंधाई ले चला लो। मम्मी ने भाभी के साड़ियों को तो दिखा दिया, लेकिन मैं एक बार क्लोजअप वीडियो से दिखा देती हूँ कि क्या क्या दिया जा रहा है हम लोग के यहाँ से। तो ये जितनी भी आप लोग साड़ियाँ देख रहे हो ना, ये सब भाभी को दी जा रही हैं। चार साड़ी यहाँ पे रखा हुआ है, चार ही मैं आप लोग को दिखा पाई। एक साड़ी जो है ना, वो भाभी अपने बैग में रख चुकी हैं, तो हम लोग ने निकलवाया नहीं कि चलो फिर अब पूरा बैग खाली करना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो यहाँ पे चार साड़ी रखी हुई हैं, और एक भाभी अपने बैग में रखी है, मतलब पांच साड़ी दी गई हैं भाभी को विदाई पर, और एक उनकी चाची को और एक उनकी मम्मी को। आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि भाभी को हम लोग विदाई पर क्या क्या दे रहे हैं, मिठाइयों की टोकरी, फलों की टोकरी, और सारी कपड़े जो भी दिए जा रहे हैं ना, ये उनके बाबा के लिए है, ये धोती कुर्ता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को दिखा दिया बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा, देख के अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता है अगर मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आज ही हमारी भाभी जाने वाली है, तो आगे का व्लॉग जो है ना, वो कल देखने को मिलेगा आप लोगों के। हमारी भाभी जा रही है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है सब कुछ। अभी उनके भाई आए नहीं हैं, आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो आएंगे। तो आगे का व्लॉग जो है कंटिन्यू रहिएगा आप लोग, कल के व्लॉग में देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड जय हिंद जय भारत।